लोग ये होटल में स्टे किए थे, होटल मालिक, यह है नीचे दिया गया उसका नंबर। ऊटी बस स्टैंड से ठीक 200-300 मीटर की दूरी में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो आराम से आप पहुंच सकते हैं उधर ही। रूम पर डे का हिसाब से 2500 लिया था। आपको पता है कि मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ और आप बजट में ट्रैवल करता हूँ, और आप अगर आप लोग ऊटी साइट सीइंग प्राइवेट कार में कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अभी आप लोगों का पर्सनल मैटर है। अगर आप लोग मेरी तरह बस में ट्रैवल करना चाहते हैं साइट सीइंग ऊटी और कुन्नूर, तो आप अपना जो भी कोई भी होटल से आप लोग अपना साइट सीइंग बुक कर सकते हैं बस में, जो कि 350 पर पर्सन लेगा। ऊटी एंड कुन्नूर टूर आपको 9:30 बजे से 5 बजे तक स्टार्ट होगा पैकेज। यहाँ कोई फूड इंक्लूडेड नहीं है। ऊटी ले ट्रेड गार्डन, वेलिंगटन, स्टीफन चर्च, कुन्नूर के चा बागान, बोटेनिक गार्डन और बहुत सारा प्लेस। फर्स्ट पॉइंट है ऊटी लेक, यहाँ आप लोग बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। गाइड सब कुछ बता के देगा डिस्क्रिप्शन के साथ डिटेल्स में अच्छे से, तो आराम से आप लोग जाइए, इधर बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। प्राइस में दे दूंगा प्राइस। ऊटी लेक का एंट्री फीस और बोट का फेयर आप लोग पोस्ट में करके देख सकते हैं। यह ट्रेड गार्डन जो ऊटी लेक का स्थित बगल में ही है, और यहाँ पे जो फ्लावर वगैरह सब ट्रेड से बना हुआ है और हैंडमेड बना हुआ है। से बना हुआ है ना, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे आप लोग सैंपल भी देख सकते हैं। कैमरा इधर करो भाई, ये वाला रूम में आपको सैंपल भी छू के दिखा देख सकते हैं। ट्रेड से बना हुआ है 0 माइल शूटिंग पॉइंट। यहाँ से आप लोग बाइनोकुलर से चर्च भी देख सकते हैं। यहाँ साजन फिल्म और बहुत सारा फिल्म की शूटिंग हुआ था इस जगह पे। यहाँ का एंट्री फीस 10 रुपये पर पर्सन है।
ছাগল চোর ছাগল তিনটারে হাড়া লাগতেছিল দার্জিলিং এর তিনটায় যে প্যাকটাই পোজে আইতেছিল এখন আগে যা না साइट सिंग में कुछ प्लेस आप लोग को उतरना नहीं पड़ेगा, गाड़ी के अंदर से देखना पड़ेगा क्योंकि उतरना अलाउ नहीं है। यह है विलिंगटन कैंटोनमेंट एरिया आर्मी लोग का, उसके बाद आप लोगों को गोल्फ कोर्स दिखाएगा, उसके बाद आप लोगों को कुन्नूर टी स्टेट लेके जाएगा।
ये है बोटानिकल गार्डन ऊटी का। यहाँ का एंट्री फीस 50 रुपीज़ है। तो यहाँ पे बहुत सारा फिल्म, बॉलीवुड फिल्म और टॉलीवुड फिल्म का शूटिंग हुआ था यहाँ पे, जैसे कि मैंने पेयर किया, हम आपके हैं कौन वगैरह। तो यहाँ से आप लोग बहुत व्यू देख सकते हैं कि शूटिंग को, यहाँ से आप लोग पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारा सुंदर गार्डन है, लेकिन इतने भी ख़ास नहीं है। बस यही था हम लोग का लास्ट पॉइंट। और बहुत सारा हम लोग ने पॉइंट कवर किया, लेकिन ये वीडियो नहीं बनाया। तो ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है। आप लोग देख रहे हो ये जो गार्डन है, वे आप लोग सोच सकते हो कि चेरापूंजी का जो शिलोंग है ऐसा है, लेकिन वे ऐसा नहीं है। वे हम लोगों का ओटी का गार्डन है, जो आपका साउथ में गिरता है, टोटली वे साउथ है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। कभी आना तो अच्छे से आना, घूम के जाना, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है।